हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम करने जा रहे हैं आज चैप्टर 4 स्टार्ट, और ये हमारी ऑडिट की सीरीज है, ठीक है सर। और इसमें ये पार्ट 1 है, और आज हम देखेंगे भैया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। ओवरऑल क्वेश्चन की फॉर्म में हम इस चैप्टर को करने वाले हैं, ठीक है सर। और इस क्वेश्चन चैप्टर की खास बात क्या रहने वाली है कि आपका चैप्टर 1, 2 और 3 अगर आपको अच्छे से आता है, जिसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, अगर आप इन तीनों को एक्सपर्ट बन चुके हो, तो जो चैप्टर 4 है वो आपके लिए लॉलीपॉप जैसा होगा। इन द सेंस बहुत इजी। ओवर इसमें 7 से 8 पार्ट आने वाले हैं, आप देख लेना, आज शाम तक शायद आपको सारे पार्ट मिल जाएं। और ये बहुत इजी चैप्टर लगने वाला है आपको, ठीक है सर। और एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि भैया अगर आपको 60+ मार्क्स कैसे लाने हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सर देखो, कंपनी ऑडिट 1 का पूरा वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, इस पर पूरा फोकस डालो, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 चैप्टर है 1, 2, 3, 4 इन पे पूरा फोकस डालो, जिसके वीडियो मैं आपको दूंगा। उसके बाद सर आपको कंपनी ऑडिट जो 2 है, ठीक है, वहाँ पे सेल्फ रीडिंग मारनी है। सेल्फ रीडिंग बस इनफ है, सेल्फ रीडिंग मारनी है। एक तो आज मार लो और एक एग्जाम टाइम में मार लो, इससे ज़्यादा इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वो है कोर एरिया जहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाने पर मार्क्स नहीं आते। इन पर अपना 100% दो, इस पर अपना 20-30% देना है सर, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद सर आया ईडीपी चैप्टर, या फिर आप सीआईएस एनवायरनमेंट जिसे कहते हो, और आपका टॉपिक आया सर गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। और आपका फिर एक टॉपिक आया सर स्पेशल ऑडिट, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां 100% एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। यहां पे आप अपना 40-50% भी डाल दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैं आपको टाइम कंज्यूमिंग बता रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं मानूँ 30 घंटे होते हैं, तो 30 घंटे में 100% में इसको टाइम चाहिए होगा। ये आपका 3 से 4 घंटे में, या फिर मान लो 5 to 6 hours में ये फिनिश हो सकता है एग्जाम टाइम के अंदर। आपने वीडियो सारे देख लेने होने हैं, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, बस आपका हो जाएगा। कंपनी ऑडिट और ये ओवरऑल आप मैक्सिमम 4 hours में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है। और ये कैसे करना है सर, इसकी वीडियो में नहीं डालने वाला कंपनी ऑडिट 2 के, क्योंकि बहुत ईजी है। शेयर कैपिटल क्या होता है, सीयूटीक्यूटी शेयर क्या होता है, आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस पर वॉइस नोट का रिविजन चाहिए, तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, उसमें आपको इसका रिवीजन मिल जाएगा। अभी मैंने लास्ट शायद 1-2 दिन पहले ही डाल दिए थे, सारे ऑडियो डाल दिए जितने भी रिलेवेंट है आपके लिए, वो सुन लोगे, आपके कंपनी ऑडिट खुद से हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे टॉप 50 में नहीं है, लेकिन उनका फीडबैक आया कि सर हमारा हो गया। और EDPIS एनवायरनमेंट, इसके वीडियो ऑलरेडी जो आपका नवंबर 2017 का एग्ज़ाम था, नवंबर 2017 के एग्ज़ाम में मैंने शाम के समय आपके साथ रिवीजन बनाया था, वो वीडियो देख लो। उसको मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जो आप रिसेंट प्लेलिस्ट देख रहे हो ऑडिट की, उसमें तो उस वीडियो को देख के एक बार अपना PM खोल के देख लो, सफिशियंट है। किसी भी टीचर के नोट्स देख रहे हो वो देख लो, सफिशियंट है, इससे ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा क्या क्या बच गया। इसके बाद हमें हमारे ऐसे बच गए, इससे भैया 100% आपको देना चाहिए। 100% मत दो, लेकिन 70-80% तो देना पड़ेगा आपको ध्यान, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बच गया, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सर यहाँ पे आपको 50-50 गेम खेलना है। आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वाउचिंग पे कैसे की जाता है, वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके आंसर आप खुद से दे सकते हो, लेकिन मैनर पता होना चाहिए कि कैसे दिया जाता है। तो इसका मैं गेम खेलना अपने टॉप 50 को तो सिखा दूंगा। आपको इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, मैं उसमें आपके ऑडियो क्लिप्स जब डालूंगा तो वो सुन लोगे, तो आपका हो जाएगा काम। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सारी वीडियो क्यों नहीं बना रहे। सर देखो, आपको मुझे तैयार करना है कि आपके पास जब 25 से 30 घंटे आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन के आगे। अगर सारे वीडियो डालूंगा तो 100-800 वीडियो में लगने वाले हैं, आप करोगे कैसे। वीडियो देखो किस किस की मैंने आपको दे कहे हैं, ये वाले वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, मेरे ही बनाए हुए हैं, आपको बहुत मजा आएगा, सबको आया था। उसके बाद ये 3 टॉपिक के अलावा कंपनी 1 चैप्टर 1, 2, 4 ऐसे के वीडियो यस मैं डालूंगा, और भी कोई मुझे रिलेवेंट चैप्टर लगा एग्जाम में आने वाला है तो मैं जरूर डालूंगा। तो ओवरऑल हम जो है इस टारगेट को इस बार 10 तारीख तक, मतलब जो है 10 मार्च हमारा तब तक खत्म कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर है वो सेल्फ रीडिंग वाले हैं। बोलो सर हमने तो ऑडिट आज तक नहीं पढ़ा, हम सेल्फ रीडिंग कैसे कर सकते हो। भाई ये जितना मैंने डिस्कस कर लिया ना, इसके बाद सारा सेल्फ रीडिंग है। बाकी आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होगी, तो आप मैंने टॉप 50 जो बना रखा है उनको तो मैं पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ, क्या करना है कैसे करना है। उनके टेस्ट भी लूँगा, दो ये जितने मॉक टेस्ट पेपर आएंगे वो भी उनसे सॉल्व करवाने हैं मुझे, और जितने भी उनके अभी 30-40 टेस्ट लेने वाला हूँ तो उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, लेट सपोज आपके किसी भी क्लासेस वगैरह में नहीं हो, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर को लेके, ठीक है, जैसे 1-4 के वीडियो आपको सारे मिल गए, आपका हो गया।
कंपनी ऑडिट वन डिफिकल्ट होता है, वो मैंने करवा दिया। टू सेल्फ रीडिंग वाला है, ठीक है। बाकी ये तीन चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। और फोर चैप्टर आपको मिल ही जाएगा, आज या कल में शाम तक पूरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन रह गया, तो ये इसके लिए ऑडियो क्लिप्स वगैरह आपके ग्रुप में शेयर की जाएगी, वो आप देख लेना। मतलब ब्रॉडकास्ट का ही ग्रुप है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका हो जाएगा, आपको ये सिखा दूंगा मैं उसमें कैसे किया जाता है। और फिर भी ज़्यादा टेंशन हुई तो एग्ज़ाम की रात में मैं आपके साथ रहूँगा, जैसे ही आप अपना एडवांस अकाउंट का पेपर दे के आओगे, ठीक है। उसके बाद शाम को 8 बजे से लेके अगले 8 बजे तक, यानी 24 आवर्स में मैं आपके साथ 16 to 18 आवर्स लाइव रहने वाला हूँ। तो आपकी सारी प्रिपरेशन और रिवीजन मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं भी कुछ रिकॉल होगा तो मैं करवा के भेजूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। और उसके बाद ये होने के बाद आपका बचा क्या, ये बताओ। ऐसे बचा, हाँ ऐसे की वीडियो आएंगे, ऐसे करना कंपलसरी है। जो फर्स्ट टू फोर में नहीं कंप्लीट हुए हैं वो हम करेंगे। उसके बाद बचा क्या, सारा होकर बता दिया मैंने आपको। ऑडिट फिनिश, जो नहीं मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसके लिए सेल्फ रीडिंग देनी है। तो सर मेरा क्या है, चैप्टर फोर अभी आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे जो इंपॉर्टेंट है उनके वीडियोज़ आने वाले हैं और 2-3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगे। फिर क्या करवा रहे हो सर, वीडियो के अंदर, ऑडिट में? सर मैं ऑडिट में वीडियो के अंदर देखूंगा, अगर किसी को डिफिकल्टी फील हुई तो करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बाकी फिर मैं वॉइस नोट के थ्रू टॉप 50 में अपने डालूंगा, उनके साथ डिस्कशन करूंगा और उसका मैं ब्रॉडकास्ट में लिंक भेज दूंगा कि भैया आप भी उन ऑडियो को सुन सकते हो। और वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अब तक ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से प्लानिंग करनी है। 50% हम वॉइस नोट रखेंगे बचे हुए सिलेबस में, और 50% के जो हमने वीडियो से करना है, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल भैया 20-80 प्रिंसिपल होता है, और वही बंदा बता रहा है जो खुद एग्जामिशन भी ला सकता है और ला चुका है, ठीक है। तो उसको आइडिया है कैसे क्या करना है, तो अब आपको बस 100% फॉलो करना है जो मैं कह रहा हूँ, वरना आपको जैसे फॉलो करना है कर लो। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो मैं टॉप 50 का रिजल्ट आपको भी अनाउंस करके सुनाऊंगा, किसके कितने नंबर आए, हो सका तो उनसे बात भी करवाऊंगा, तो आपको लग जाएगा कि बंदा क्या कह रहा था। और अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, तो भैया आप ऐसे कीजिए। बाकी आपका खुद का भी बहुत अच्छा ब्रेन है, आपको जैसा ठीक लगता है कर लीजिए। बाकी मेरे कहने के बाद बस यही मतलब हुआ कि जो चैप्टर मैं नहीं करा रहा हूँ, चैप्टर और फोर और ऐसे करवाने के बाद जो मैं नहीं करा रहा हूँ, उस पर आप सिर्फ अपना 50% लगा दो भाई, आप पास हो जाओगे। आपके 60+ कहीं नहीं गए। अगर आपको 80+ में आना है तो भैया टेस्ट सॉल्व कीजिए, कम से कम 5 टेस्ट सॉल्व कीजिए, 3-4 RTP MTP सॉल्व कीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा 80+ में। अब ये डिपेंड करता है आप कितना सीरियसली हो के रिविजन करते हो, कितना अच्छे से रिकॉल करते हो, वो आपका हो जाएगा। तो इस 10 तारीख तक हम इसको क्या, 10 से 12 में हम इसको पूरा फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलता हूँ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सर क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है आपका इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताइए आप, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसका ये वर्जन भी है, PDF वर्जन, ये मैं अपने टॉप 50 को स्पेशली देता हूँ आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका कि भैया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ बताइए। तो अब देखो इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है। तो आप लिखोगे इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है, तो इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। इस प्रोसेस में डिजाइन होता है, क्या होता है, डिजाइन होता है। क्या डिजाइन होता है, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन होता है। क्या डिजाइन होता है, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन होता है। फिर हम इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल हमने बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये कौन बोल रहा है, ये सारी बातें SA 315 बोल रहा है। क्या, कौन बोल रहा है, SA 315। डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं। और क्या करते हैं, मेंटेन, ठीक है। ये इंटरनल कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा जी, अब बात आई कि ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम कौन करता है, बाय हुम, कौन करता है इंटरनल कंट्रोल के ये सारे काम। तो आपने कहा कि भैया ये सारे काम TCWG करती है, ठीक है, मैनेजमेंट करती है, एंड एंड कौन करता है, एंड अदर पर्सनल, कोई मतलब दूसरे बंदे भी हो सकते हैं,
टू प्रोवाइड रिजनेबल अश्योरेंस, जो हमें ये दावा करें कि हमारा इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा बना है, उस चीज़ की जो अथॉरिटी दे। देखो मैं आपको ना इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल के इस चैप्टर को समझने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, कैसे सोचना है, माइंड में थिंकिंग लानी है, आपको एग्जाम तक याद रखना है। आप ये सोचो कि लड़की के शादी की बात चल रही है, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, और लड़का का बाप हमेशा यही कहता था बेटा इंटरनल कंट्रोल बता कैसा है, क्योंकि उसी के बेस पर डिसाइड होगा रिस्क वगैरह क्या है। तो इंटरनल कंट्रोल को हम चेक करने जा रहे हैं एक लड़के के बाप के बिहाफ पे, कि देखो भैया लड़की का घराना कैसा है और वो सच में है कि नहीं है, या फिर केस चेंज कर देते, ये सिमरन के पापा हैं, सिमरन के पापा। अब सिमरन के जो पापा हैं वो राज के घर का इंटरनल कंट्रोल देखने जा रहे हैं कि भैया मेरी बेटी वहाँ से खुश रहेगी या नहीं रहेगी। उस एंगल से सोचो, आपको देखो पूरा याद हो जाएगा कि भैया हमें ये देखना है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो डिज़ाइन किया जा रहा है, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो मेंटेन्ड होना चाहिए। अब देखो तीन चीज़ें क्यों हैं, ऑब्वियसली डिज़ाइन तो करना पड़ेगा ना, जैसे शादी होनी है तो भैया इस जगह टेंट लगेगा, इस जगह हमारी लड़की रहेगी, इस जगह उसके कपड़े रहेंगे, इस जगह उसके घर में ये सुविधा, तो हर चीज़ पहले डिज़ाइन की जाती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट मतलब कि अब जो तुम कह रहे हो वो सच भी तो होना चाहिए, ये थोड़ा ना कि हवा में बाजी कर रहे हो, आप हवाबाजी कर रहे हो, डायलॉग बाजी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट करो। और मेंटेन मतलब मान लो अगर कभी कोई चीज़ मिस्टेक हो गई तो उसको रेक्टिफाई करके दोबारा से सेम लेवल पे ला के रखो, दैट इज मेंटेन। और ये कौन करेगा? लड़के का बाप करेगा, क्योंकि हम तो उन्हीं के भरोसे भेज रहे हैं ना, या फिर लड़के की माँ करेगी, या फिर अदर पर्सनल, या तो कोई ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड रिजनेबल अश्योरेंस जो ये गारंटी दे कि हाँ भैया मेरी लड़की वहाँ जाके खुश रहेगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। यहाँ पे अदर पर्सनल जो रिजनेबल अश्योरेंस थे किसके बारे में, अबाउट द अचीवमेंट, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव किसके बारे में, ये सब हो किसके बारे में रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर क्या लाइन है, रिजनेबल अश्योरेंस, तो रिजनेबल अश्योरेंस मतलब कि वो अदर पर्सोनल की लाइन क्या थी, अदर पर्सोनल मतलब कोई दूसरा बंदा जो जानकारी दे, क्या दे, जानकारी दे अबाउट किसके बारे में, अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव, जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के बारे में जानकारी दे। लेट सपोज एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्या है, एंटिटी का ऑब्जेक्ट है कि भैया हमारी लड़की खुश रहे, ठीक है, यानी इंटरनल कंट्रोल साउंड रहे, तो इसका ऑब्जेक्ट अचीव करने की जो लड़का जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है, अदर पर्सनल, वो है अदर पर्सनल जो इसकी जानकारी ले रहा है, भैया देखो पहले TCWG यानी लड़के के बाप की जिम्मेवारी है कि घर में सब कुछ इंटरनल कंट्रोल ठीक रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर लड़की की माँ यानी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है जो इस बात की गारंटी ले कि हाँ भैया सब ठीक रहेगा, अदरवाइज ऐसा बंदा जो उस लड़की को खुश रखने की जिम्मेवारी लेता है, तो ऑब्वियसली लड़के की ही जिम्मेवारी बनती है और किसकी बनेगी। इस तरीके से आप याद रखोगे कि वो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव हमेशा अचीव करवाए, इसका रिजनेबल अश्योरेंस जो भी देगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। विथ रिगार्ड टू रियल, ठीक है, और इन सब के लिए हमें रियल का ख्याल रखना है। रियल क्या होता है, रियल का एक न्यूमैनिक है, ये मैं आपको बताता हूँ रियल क्या होता है। विथ रिगार्ड टू रियल मैं इसे इधर भी लिख देता हूँ, विथ रिगार्ड टू रियल, विथ रिगार्ड, स्पेलिंग गलत हो गई, हम मिटाई देंगे स्पेलिंगवा गलत हुई गवा, हम मिटाई देंगे, ठीक है। तो हमें रियल का ख्याल रखना। अब ये रियल क्या होता है भाई, देखो रियल में पहली चीज का ख्याल होता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि वो लड़का अश्योरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, रिजनेबल अश्योरेंस दे रहा है कि एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगी, तो हम इन रिगार्ड टू किस बारे में दे रहा है, किस बारे में दे रहा है, तो रियल के बारे में दे रहा है, लड़का रियल के बारे में गारंटी दे रहा है, रिजनेबल अश्योरेंस दे रहा है। और रियल पहला आर क्या है, रियल रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब वो ये कह रहा है कि भैया लड़के के बारे में जो बताया गया है कि लड़का इतना कमाता है, उसका घराना ऐसा है, इसके बारे में लड़का भी जिम्मेवारी लेगा कि हाँ भैया जो कह रहे हो वो सच है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है,
अब आप खुद सोचो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। वैसे तो ये आपके सीए फाइनल का सब्जेक्ट है, लेकिन एक तरीके से आप सोचो तो नॉर्मल बात करते हैं कि भैया आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सही है कि नहीं, आपके बैलेंस शीट के आइटम जितने दिख रहे हैं, अब प्रॉफिट मतलब लड़का कितना कमाता है ये सच है कि नहीं है, बैलेंस शीट में मतलब लड़के के पास कार है, घोड़ा है, बंगला है, ये सच है कि नहीं है, तो दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस एंगल से आप याद रख सकते हो एग्जाम के पर्पज से। उसके बाद है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशंस। सर ये वर्ड ना मैंने आपसे कई बार इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी शेयर किया है, इसके मतलब को मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से बोलता हूँ। भैया आप ना मुझे नाइन मतलब टू का टेबल सुनाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 18 एंड 20। सर देखो आप सब सीए में हो, हाँ सीए में हो, आप सब में इफिशिएंसी है कि आप 2 का टेबल सुना दो, सबके अंदर इफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस होता है कि किस जगह सुनाना है, किस तरीके से सुनाना है और कितने कम समय में आपने इसको सुना दिया। नहीं समझ में आया? देखो आप सब सीए बनने वाले हो, सही है, आप सबके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होगा, हाँ ये सबके अंदर इफिशियंसी है, लेकिन कितने समय के अंदर कम से कम समय में आप ले आओ, ये आपकी इफेक्टिवनेस है। तो लड़का जिम्मेवारी देगा ऑपरेशंस की कि भैया ऑपरेशन में इफिशिएंसी तो है लेकिन उसमें इफेक्टिवनेस है या नहीं है, इसकी जिम्मेवारी लड़का देगा कि हाँ, लड़का इन द सेंस इंटरनल कंट्रोल जिसने बनाया है वो देगा कि हाँ भैया ये सही है। अब इंटरनल कंट्रोल किसने बनाया इसके बारे में हम सीखेंगे धीरे धीरे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेफ गार्ड ऑफ असेट्स की जिम्मेवारी देगा, ठीक है। सेफ गार्ड ऑफ असेट्स मतलब जो भी संपत्तियां दिख रही हैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बैलेंस शीट्स के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के अंदर, तो वो असेट्स की जिम्मेवारी देगा भैया इंटरनल कंट्रोल में कि भैया जो भी है सही है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए हम झूठ झूठ कर रहे हैं, जो है हकीकत दिखा रहे हैं, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है। ये हो गया आर ई ए, ए से क्या हो गया असेट्स हो गया, और एल से हो गया सर कंप्लायंस विथ अप्रोप्रिएट लॉस, कि हम कानून के सारे नियमों का पालन करते हैं। तो आपको ये वर्ड रियल से याद रखना है। अब ये कंप्लायंस ऑफ लॉ का क्या लॉजिक है भैया, कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल में जो भी अप्लीकेबल लॉ है या अप्रोप्रिएट लॉ है आप उसे लगा रहे हो, तो आपको उस लड़के को 4 बात की गारंटी देनी है रियल की, आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ई से इफेक्टिवनेस एंड इफिशेंसी ऑफ ऑपरेशंस, उसके बाद ए से सेफ गार्ड ऑफ असेट्स एंड कंप्लायंस विथ अप्रोप्रिएट या अप्लीकेबल लॉ जो भी आपको लगे एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये आपने कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज आती है फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल, एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या विशेषता हो सकती है आपको ये बताना है। तो भैया इसमें देखो सबसे पहली बात आप क्या ले सकते हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। सर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सर देखो आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हो, ये कोई बिल्डिंग है, आप यहां से एंटर करते हो, अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेगा। अब आपने इसे पूछा कि भैया मिस्टर शर्मा जी कहाँ मिलेंगे, तो इसने कहा कि भैया यहाँ से लेफ्ट में सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, यहाँ से जो चौथा कमरा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे जाके आप शर्मा जी से मिल लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे गए, अब ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि भैया सबको पता है कि इस जगह पे ये काम होगा और ये चीज़ फाइनल हो जाती है। अनऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं, सर ये वाली फाइल पे साइन करना है, मान लो ये अनऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, शर्मा जी कहेंगे अरे मुझे क्या पता कौन साइन होता है, कल आना, कल आज काम नहीं होगा। अब ये लड़का कल आया, सर इस पे साइन कर दो, अरे ये साइन मेरे थोड़ी ना होंगे, ये तो दीपक जी के साइन होंगे, ये वहां जाओ जी, वहां अगले अगले नीचे से इधर जाना है, इधर वाली बिल्डिंग में जो चौथा कमरा होगा उधर मिलना, आप तो गलत जगह आ गए। अब ये दीपक जी इधर जाते हैं, दीपक जी कहते हैं
अरे आज तो होली है, होली वाले दिन काम थोड़े ना होता है, आज तो मिठाइयाँ खाई जाती हैं। लड़के ने कहा सर ले लो 500 रुपये, खा लो मिठाई। कह रहे अरे सर मिठाई खिला दो फिर आना। फिर अब वो लड़का फिर आगे आया, अब फिर उससे क्या कहा जा रहा है दोबारा से, सर दीपक सर आपको साइन करना था। अरे ये कौन सी फाइल ले आया, इसमें मेरे साइन तो थोड़ी ना होंगे। अरे तू गलत जगह आ गया छोरे, ये सामने ही जो लड़का बैठता उधर जाके कर लियो, वही साइन कर देगा, उतना ही हो जाएगा, मारी जरूरत ना से हमें। दैट इज अनऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सामने वाले को पता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन क्या काम कर रहा है और इस काम को कैसे किया जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप इसमें दे सकते हो कि भैया स्कीम ऑफ अथॉरिटी एंड प्रोसीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेके हो रही है या नहीं हो रही है, इसका ये सेंस याद रखोगे तो भी आप इसमें दो लाइन लिख दोगे। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, लेट सपोज कोई परचेज किया आपने और परचेज किया आपने 100 रुपये में। अब ये प्रॉपर अथॉरिटी से अगर पूछ के हुआ होगा तो ये हम पहले पूछेंगे भाई 100 किया तो क्या ये वही सामान आया है, मटेरियल मटेरियल एक्स जो हमें चाहिए था। ठीक है, क्या ये उतने ही रेट में आया जो सही था, कहीं ऐसा तो नहीं है रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन है, 70 का माल आपने 80 में ले लिया क्योंकि आपको अपने रिलेटिव पार्टी को प्रॉफिट पहुंचाना था, और ये नेसेसरी जगह पैसा लगा है ऑर्गेनाइजेशन का कि नहीं लगा है, दैट इज ट्रांजेक्शन का ऑथराइजेशन होना, ये सही बंदे ने सही काम के लिए सही तरीके से इसको अप्रूव किया या नहीं किया। उसके बाद सर इसमें थर्ड पॉइंट आप कह सकते हो इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, इंटरनल चेक क्या होता है कि अभी आपने क्या सीखा था, अभी मेरे साथ आपने 3 वर्ड सीखे थे ऐसे 315 के अंदर, और वो आपने सीखे थे कि भैया डिजाइन होना चाहिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके बाद मेंटेन होना चाहिए। डिज़ाइन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इंटरनल चेक क्या कहता है कि वो मेंटेनेंस की बात करता है कि भैया आपने लगा तो दिया डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट, बट वो हमेशा वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बस आपको दिखाने के लिए ही 4 दिन बड़ा अच्छा वहाँ का इंटरनल कंट्रोल था फिर उसमें कुछ कमी आ गई। तो इंटरनल चेक मतलब बार बार चेक करते रहो कि भैया जो काम चल रहा था ये वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है जैसा हमने कहा था। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप फोर्थ पॉइंट इसमें डाल सकते हो सुटेबल पर्सोनल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ऑनेस्ट एंड कंपिटेंट। अब आप बोलोगे ये क्या लिख रहा है मास्टर। सर देखो, मान लो आप जो है आपका नाम है मिस्टर राम, आपको अगर मैं काम दूं कि भैया मेरे लिए ना शाम तक एक अच्छी सी मतलब बाइक खरीद के ले आना, अब आपको बाइक की कोई नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ कार चलानी आती है लेट सपोज, तो अब आप क्या एक अच्छी बाइक ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। अगर मैं कहूँ मिस्टर श्याम से कि भाई जिसे अच्छी बाइक की नॉलेज है और मैंने इससे बोला कि भाई जाके कार ले आ, तो क्या वो कार अच्छी ला पाएगा, आंसर इज नहीं। कहने का क्या मतलब है आपको मुझे पता है, एग्जाम वाले में जब तक मजा नहीं आएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल को इस तरीके से समझो कि भैया जिस बंदे को जैसे मिस्टर एक्स जो है उसको अच्छे काम की नॉलेज है, कौन से काम की नॉलेज है, लेट सपोज अकाउंटिंग की, और जो मिस्टर वाई है उसको अच्छी नॉलेज है काम की टैक्स की, बट वाई को काम दे रखा है अकाउंट का, एक्स को काम दे रखा है टैक्स का, ये दोनों आपस में बोल रहे हैं कि भाई देख लो मैनेजमेंट को तो यही पता नहीं किसको क्या काम देना चाहिए, मेरा काम तुझे दे रखा है तुझे मुझे दे रखा है तो काम होगा कैसे। तो ये भी इंटरनल कंट्रोल का काम होता है कि भैया उस बंदे को वो काम दो जो कि वो जिस काम के लिए वो ऑनेस्ट हो और जिसके लिए उसकी योग्यता हो। अब किसी बंदे को गलत काम पकड़ा दोगे तो वो उतनी ईमानदारी से काम करेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम सर ये भी पॉइंट जो है वो मेंटेनेंस को ही लेके है कि भैया आपने जो इंटरनल कंट्रोल बनाया है, इंटरनल जो ऑडिट है, जो इंटरनल ऑडिटर है आपका, वो अपने सिस्टम को बार बार रीचेक करता रहेगा कि भैया मेरा काम जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैंने जो भी तरीके सोचे थे उस तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, जरूरत पड़ने पे मैं अपडेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ने पे ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैंने जो सिस्टम बनाया वो आउटडेटेड हो गया, अगर आउटडेटेड हो गया तो मुझे उसे अपडेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो सर ये ओवरऑल ये क्वेश्चन था, मैं आपके उसको हाईलाइट करवा के दिखा देता हूँ क्वेश्चंस को। भैया प्रोसेस को क्या करना था, डिजाइन करना था
इम्प्लीमेंट करना था एंड मेंटेन करना था, ठीक है। उसके बाद कौन करेंगे? गवर्नेंस जी करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब TCW जी मैनेजमेंट करेंगे या कोई अदर पर्सनल करेगा। और वो क्या करने वाले हैं? वो रिजनेबल अश्योरेंस देंगे अचीवमेंट का कि भैया एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स अचीव हुए या नहीं हुए। और इससे क्या होगा? हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, हमारी इफिशेंसी आएगी ऑपरेशंस में, ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशेंसी आएगी ऑपरेशंस में, असेट्स का सेफगार्ड होगा एंड लॉ एंड रेगुलेशंस होगा, जो हमने रियल का वर्ड सुना था इसमें वैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी फीचर्स की, तो फीचर्स में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए कि भैया जिसका जो काम है उसको प्रॉपरली दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, हमारी असेस का असेट्स जो है उसको एक्सेस करने के बारे में, या फिर ट्रांजेक्शन्स का ऑथराइजेशन के बारे में, या फिर रिकॉर्ड की कीपिंग के बारे में, ये एग्जाम्पल्स दिए गए यहाँ पे कि मान लो रिकॉर्ड कीपिंग मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये इस काम को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, इस असेट्स को एक्सेस करने का काम कौन करता है। अगर मैं पूछूँ कि मान लो जैसे मम्मी होती है, अब हॉर्लिक्स का डब्बा रखा हुआ है, लेट सपोज हॉर्लिक्स का, अब बच्चे छोटे छोटे हैं तो मम्मी बाद में पूछते अरे किसने डब्बा खोला था, सारा खत्म हो गया, दैट इज एक्सेस टू असेट्स। तो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने किया होगा, वैसे काम तो मम्मी का है देने का, लेकिन बच्चों को भूख लगती है तो कुछ भी उठा के खा जाते हैं, दैट इज एक्सेस टू असेट्स, की इस असेट्स को एक्सेस करने का अधिकार किसके पास था, बस वही उसे हाथ लगाए और कोई ना लगाए। डिवीजन ऑफ ड्यूटी, भैया सेल का काम ये देखते हैं, परचेज का ये देखते हैं, सेल में भी मटेरियल एक्स का काम ये देखते हैं, मटेरियल वाई का काम वो देखते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने का जो जिम्मा है, जो अधिकार है, वो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन एंड प्रोसीजर, ये तो उसी का भाई बनाया गया है कि भैया ये ट्रांजेक्शन प्रॉपरली अकाउंट हो रही है नहीं हो रही है, सबसे पूछ के हो रही है कि सबसे इन द सेंस उस ऑफिशियल कंपिटेंट ऑफिशियल बंदे से पूछ के हो रही है नहीं हो रही है, उसकी अथॉरिटी से ही काम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुपरवाइजरी प्रोसीजर आर लेट डाउन, सुपरवाइजरी मतलब कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको वो बंदा देखता रहेगा कि भैया ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जिसके बेस पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। उसके बाद इंटरनल चेक का आ गया, इंटरनल चेक में हमने क्या कहा था कि जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो भी हमने बनाए हैं, जो भी हमने डिज़ाइन किए हैं, जिस मैनर में डिज़ाइन किए हैं, उसके लिए किसी सिंगल पर्सन को ऑथराइज मत करो कभी भी, उसके लिए हमेशा मल्टीपल पर्सन होने चाहिए कि भैया वो सब ये देख सके कि भैया अगर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी होगी ना तो काम ज़्यादा अच्छा होगा, एक ही बंदे के पास अगर सारी पावर्स आ जाए तो वो मिसयूज हो जाती है, ठीक है। ऑथराइज टू कैरी आउट ऑल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक ही बंदे से कह दिया तुम ही खरीद के लाओ, तुम ही इसको बनाओ, तुम ही सब करो, वरना वो धांधलीबाजी कर देगा, इसलिए लोगों को आपस में बांटना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। द सिस्टम इंस्टीट्यूट अ प्रॉम्प्ट या क्विक एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क, मतलब कि जो सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ फंडा होना चाहिए, ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए जिससे हम चेक करें कि जो इंडिविजुअल का जो वर्क है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसको हम क्रॉस चेक भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे, क्रॉस रिकंसिलेशन भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस रिकंसिलेशन। उसके बाद सुटेबल पर्सनल, ये इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया बहुत अच्छा वाला। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 को टच करेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है, बहुत इजी है, और मुश्किल से मेरे जो वीडियो होंगे वो अप्रॉक्स जैसे 30 मिनट में ख़त्म हो गया, तो ऐसे ही मेरे 7 से 8 वीडियो आएंगे, यानी ओवरऑल 4 से 5 घंटे में मैं आपका रिकॉर्डिंग करके चैप्टर फिनिश कर दूंगा। फिर जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप इसे 2 से 3 घंटे में रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो 1 से 2 आवर्स में रिवीजन होंगे, फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो 30 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। इस लेवल पे लाके आपको इसको छोड़ना है। सर सारा काम मैं नहीं कर सकता, मैं भगवान नहीं हूँ, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, 100% आपका 100% मेरा, दोनों मिला के करेंगे भाई, तो भैया मई 18 में नाम रिजल्ट में होगा 13, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करना जरूर ना भूलें, ठीक है, बाय बाय।